नरवाल में दो सस्पेक्ट नजर आने पर अब पुलिस के द्वारा यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि काफी दिनों से हादसे जो है वो होते जा रहे हैं और इस बीच यहाँ के लोगों ने जो है वो दो सस्पेक्ट देखे और कहा जा रहा है कि वो एक शॉप पर आए थे, वहां से सिगरेट खरीद रहे थे और उसके बाद जो है वो उनके बारे में बताया गया, एक औरत की दुकान से जो है वो सिगरेट वगैरह खरीद रहे थे और उसके बाद जो है यहाँ पर उधर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और अब यहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस और बाकी टीम सब यहाँ पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिन ब दिन हादसे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि जो हादसे हुए, जिसमें सबसे पहले रियासी में हादसा हुआ था जिसमें कितने लोगों की जान गई, उसके बाद अगर हम कठुआ की बात करें, डोडा की बात करें या फिर DIG की गाड़ी पर जो गोलियां चली थी उसकी बात करें, तो देखा जाए तो काफी हादसे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और जिस बीच आज नरवाल में भी जो है वो दो सस्पेक्ट जो है वो देखे गए और देखने जाने के बाद जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और अब जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इस बीच आप देख सकते हैं कि पुलिस और बाकी सब टीम यहाँ पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया। अगर आप भी कहीं ऐसे सस्पेक्ट देखते हैं तो आप भी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर जाकर उनसे कॉन्टेक्ट करें और उन्हें बताएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माहौल किस तरह का बन चुका है और किस तरह से दिन ब दिन जो हमले जो है वो बनते जा रहे हैं जिसमें काफी मासूम लोगों की जान जो है वो गई है। चाहे हम रियासी की बात करें, चाहे हम कठुआ की बात करें, चाहे हम डोडा की बात करें, चाहे जो कल हादसे हुए जिसमें हमला हुआ है DIJ की गाड़ी पर उसकी बात करें, तो दिन ब दिन जो है वो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और इस बीच जो है नरवाल में एक खबर आई जिसमें दो सस्पेक्ट को जो है वो देखा गया जो कि एक दुकान पर सिगरेट लेने गए थे और उसके बाद आने के बाद जो है वो जब यहाँ से निकले तो उन्होंने जो है वो पुलिस को, पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और उनसे जो है वो कॉन्टेक्ट किया और उन्हें सब ये घटना जो है बताई और उसके बाद से जो है नरवाल में अब जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम नरवाल की बता रहे हैं और इस वक्त जो है पुलिस की टीम की अगर हम बात करें तो वो सारी टीम यहाँ पर मौजूद है और अगर आपके वहां पर भी आपको कभी किसी पर शक होता है या आपको सस्पेक्ट दिखते हैं तो आप जल्द से जल्द पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो आप कांटेक्ट करें, क्योंकि और हादसे जो है वो ना बढ़े जिस बीच जो है वो ये सब करा जा रहा है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के माहौल को जो है वो कहीं ना कहीं खराब करने की साजिश जो है वो हमारे दुश्मन देश की चल रही है। पर आप सभी जानते हैं कि कल भी जो है वो दो आतंकवादियों को मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया था और अब जो है वो एक खबर आई है जिसमें नरवाल में जो है वो सर्च ऑपरेशन अब जारी हो गया है। जैसे ही वो खबर आई अब पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और टीम ने जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। ये देखा जाए तो अगर आप भी कहीं पर कहीं पे आपको किसी पर शक होता है तो आप भी जरूर जो है तो अगर हम बात करें तो आप सभी जो है वो अपना खास से खास ध्यान रखें और जम्मू में भी जो है वो हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त हम नरवाल में हैं और नरवाल में सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी हो गया है और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल आप सभी भी अपना ध्यान रखें और जम्मू को जो है वो हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको भी किसी पर शक होता है तो आप जल्द से जल्द जो है पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें।